नाउ कमिंग बैक टू वेयर वी लेफ्ट यस्टरडे, कल हमने एक प्रॉब्लम पर एक जगह डिस्कशन एंड किया था, एंड दैट वाज द प्रॉब्लम ऑफ सॉल्विंग द ग्राफ. सो आई टोल्ड यू दैट इन ओल्डन डेज व्हेन काइनेटिक्स वाज एक्सपेरिमेंटली डन, सो यू ऑलरेडी नो दैट पीपल कैन एक्सपेरिमेंटली मेजर वी जीरो बाय स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री. And they can choose different concentrations, they can get some dots, and then they can connect those dots and plot a graph that will appear to be hyperbolic. But you might have noticed ki ye to ek ideal situation ho gayi jo hum graph banate hain textbook mein jo graph diya rehta hai. Aap logon ne bhi practicals kiye honge, protein ka concentration measure kiya hoga BSc MSc mein. To kya aapko jo dots aate the wo ekdam straight line mein aa jate the? आप जबरदस्ती उसको लाइन बनाते थे स्केल रख के, किसी तरह से एक डॉट दो डॉट आ जाए, इजंट इट? ट्रू और फॉल्स? यस यस. यू यू ट्राई टू डिलिबरेटली ब्रिंग सम ऑफ द स्पॉट्स, सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी स्पॉट विल कम ऑन द रेंज ऑन द एग्जैक्टली ऑन द ग्राफ. यू हैव टू डू समथिंग दैट इज कॉल्ड एज रिग्रेशन. द प्रोसेस दैट यू डू, आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज रॉन्ग, ऑल द डॉट्स शुड कम ऑन द लाइन, सम मे नॉट कम, बट you have to do a process that is called a statistical process that is called a regression. usme kya kiya jata hai ki when you join all the dots you get a line, and then you have a dot for which your concentration is not known, so you try to just find out the unknown concentration by using that graph. So this process is called as regression. Now for linear things, linear regression is much easier. You can use a graph paper and you can do the linear regression. But what about these kind of situations? What if your few dots are here, one dot is here, one dot is here, what about one dot is here and one dot is here? So how will you plot a graph, whether you will take this graph here or you will take this graph here or you will take this graph here? So if three people do three different kind of graphs, they will get three different kind of Vmax. Baat samajh mein aa rahi hai meri? Yes sir. Manually agar hum isko karenge to manually karne par humko, अगर हम रिग्रेशन या कह सकते हो कर्व फिटिंग की कोशिश करें, कर्व फिटिंग मतलब डॉट्स को एक कर्व में फिट कर रहे हैं, अगर हम मैन्युअली उसको गलत कर देंगे, देयर आर चांसेस ऑफ एरर्स. सो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर्स, आज की डेट में हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर्स पोज्ड अ प्रॉब्लम विद नॉन लीनियर कर्व फिटिंग. सो यू वुड रियलाइज, आप रियलाइज करेंगे कि उस टाइम के यानी कि 1930s या 1950s के आसपास जो भी ग्राफ आप देखेंगे, वट एवर काइंड ऑफ ग्राफ, वेदर यू टॉक अबाउट द हिल प्लॉट और यू टॉक अबाउट द नॉर्मल स्केचर्ड प्लॉट और एनी प्लॉट, मोस्ट ऑफ द प्लॉट्स वर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लीनियर प्लॉट्स. कोशिश ये की जाती थी कि किसी तरह से मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन करके ग्राफ्स को क्या बना दिया जाए, लीनियर बना दिया जाए, सो दैट इट इज ईजी टू कॉम्प्रीहेंड, ईजी टू अंडरस्टैंड. The same process was done with this equation, right? Now the problem was how to convert this into linear equation. V zero is equal to V max S divided by Km plus S. तो अब इसमें maths भी आना चाहिए, coordinate geometry भी आनी चाहिए, तभी जाके वो person जो है इसको convert कर सकता है. Maths में क्या होता है? Maths में आप जानते हो कि कोई भी curve जो है that can be expressed by an equation. अगर आपने 12th में मैथ्स पढ़ा होगा, there is a subject called coordinate geometry in which one can convert a line into an equation. Something that you already know, I think एक चीज जो आप जानते होंगे, an equation called y is equal to mx plus c. ये सब जानते होंगे, है ना? Yes sir. तो y is equal to mx plus c जो है, that is equation of line. जैसे लाइन की इक्वेशन होती है, ऐसे ही सर्कल के लिए भी इक्वेशन होती है, हाइपरबोला के लिए भी इक्वेशन होती है, पैराबोला के लिए भी इक्वेशन होती है. इनफैक्ट अगर आप एक इस तरह का शेप जो है, विच इज अ वेरी ट्रिकी सब्जेक्ट इन द लाइफ एज वेल, इफ यू वांट टू ड्रॉ द इक्वेशन दैट विल ऑल्सो बी वेरी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, इसकी भी आप इक्वेशन बना सकते हो. यू कैन फाइंड इट इन मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक्स. सो माई पॉइंट इज एवरी कर्व, एवरी शेप can be represented by equations on mathematical backgrounds. So the idea was, if you can somehow transform this whole thing
into this format y is equal to mx plus c, then probably you can draw a line or straight line curve. So what do you mean by these things? Let us understand this equation for a while. So in this equation, these two things are called variables. Y or x kya hai? Variable means ye aisi cheeze hai jo experiment ke time par change ho rahi hai. Now what is m? M is known as slope of the line. Okay, and c ko kya bolte hain hum? Intercept. So simply, if I make a graph like this, and if I make a line like this, to ye line kis angle se jhuki hui hai, kis angle par bend hai ye? That angle, you can say, is known as slope. वो angle क्या है? Slope है. अगर एक दूसरी line में बनाता हूँ, like this, तो आप क्या कहेंगे? इसका slope कम है, ज़्यादा है? ज़्यादा है, ज़्यादा है. ठीक है? आप ऐसे समझ सकते हो किस पे चढ़ने में ज़्यादा problem होगी? तो वो ज़्यादा slope हो गया. ज़्यादा slope होगा तभी चढ़ने में ज़्यादा दिक्कत होगी. So less slope means easily चढ़ जाओगे. ज़्यादा slope होगा difficulty. So as soon as this line start becoming vertical, the slope is higher. So this is the meaning of slope. Now what is intercept? The line it is cutting here on y-axis, ये जिस point पर cut कर रही है, that value is known as intercept. If the line is passing through origin, then intercept is zero. उस case में equation हो जाएगी y is equal to mx. C zero हो जाएगा अगर वो origin से जा रही है line, कहीं और से pass हो रही है, then there will be some intercept. In fact, there can be some lines with a negative slope as well. This line has a negative slope. Okay, so this is your negative slope and this is your positive slope. So you have to be careful about these parameters. Now what x and y could be? X and y could be anything. You might be relating two things, like you might be relating between the weight of an elephant. You can write elephant is equal to 100 into horse plus one dog. So dog is your intercept, 100 is your slope, x is your horse, and this is like elephant. So you can find out, you can plot a graph between elephant and horses, and then you can make a line. So y and x could be anything, but whatever is y or x, that must be plotted on axis. तो जो y है वो y axis पर plot होता है, जो x है वो x axis पर plot होता है. बात समझ में आई? मतलब y की जगह velocity हो सकती है, x की जगह substrate हो सकता है, y की जगह inverse of velocity हो सकती है, y की जगह आपका weight हो सकता है, x की जगह किसी और का weight हो सकता है. ठीक है? तो कुछ भी आप किसी भी चीज के बीच में अगर linear relation establish करना चाहते हैं, you can make use of this kind of line. Now how people try to convert this line into a linear equation. Let's look at that. The first attempt was made by a person called Lineweaver-Burg. Let's look at the attempt of Lineweaver-Burg. So what Lineweaver-Burg did, he simply inverted this whole equation. उन्होंने क्या किया? इस equation को simply invert कर दिया. तो आप देखिए इसको इन्वर्स कर दीजिए. मैथ्स में अलाउड होता है ना, x इज इक्वल टू y है तो 1 बाई x इज इक्वल टू 1 बाई y हो जाएगा. तो यू इन्वर्ट दिस, 1 बाई v0 इज इक्वल टू km प्लस s डिवाइडेड बाई v max s. और ऐसा पॉसिबल है कि हम इन दोनों चीजों को फिर अलग अलग लिख दें, लाइक इसको हम अलग कर दें. दिस कैन बी वन फैक्टर and s divided by this can be another factor. So mathematics agar aap jante hain, so I think you can write this 1 upon v0 is equal to km divided by v max s plus s upon v max s. Now s gets cancelled by s, so this equation now becomes 1 upon v0 equal to km upon v max 1 by s plus 1 by v max. So just look at this carefully.
if I just say कि मैं एक ग्राफ बना दूं बिटवीन व्हाट बिटवीन वन अपॉन वी नॉट एंड वन अपॉन एस सो डोंट यू थिंक दैट इफ दिस इज रिप्रेजेंटिंग एक्स सॉरी दिस इज रिप्रेजेंटिंग वाई समथिंग दैट इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी विद एक्स इज नोन एज एम दिस इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी विद एक्स एंड दिस इज अनदर फिक्स्ड क्वांटिटी अ कॉन्स्टेंट This will be C. So don't you think this is using or having the format y is equal to mx plus c? Nahi lagta aapko? Yes, sir. So this was the idea. So now you can realize that how important it is to be interdisciplinary. Agar aapke maths ke teacher ye justify nahi kar paye class 12th or 10th mein ki aap maths kyun padh rahe hain, so it was their mistake. But you should now realize how important it is to know all the other subject. If Lineweaver Burke would not have had the idea of biology, if he would not have had idea of physics or mathematics, we would never have had this solution, right? So that's why we have to be highly interdisciplinary. हमें purpose समझना चाहिए कि हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं, वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है. And that will come with time. So now when we have this equation. Instead of plotting a graph between v and s, what was done? They plotted a graph between 1 upon v and 1 upon s. So what is x? That is plotted on x-axis. What is y? That is plotted on y-axis. Now, how will you get this graph from experimental data? So you already know, आपने जब लैब में एक्सपेरिमेंट किया तो आप लैब में क्या करते हैं? What you try to find out? लैब में आप क्या find out करते हैं? You take different substrate concentrations. आप अलग अलग substrate concentration पे velocity measure करते हैं ना? Some value x, यहाँ y, यहाँ पर कुछ value आएगी, यहाँ पर कुछ value आएगी. तो ये table तो आपके पास already थी. इस table से आप Lineweaver Burke graph बना रहे थे. This will come from experiment. But now for plotting this type of graph, what you have to do is, आपको s की value को invert करना है, सारी values को 1 by s करना है. जैसे मान लो ये 2, 4, 6, 8, 10 थी, तो यहाँ हो जाएगा 1 by 2, 1 by 4, 1 by 6, 1 by 8, 1 by 10, और ये values आपकी 20, 30, 40 इस तरह से थी, तो ये हो जाएगा 1 by 20, 1 by 30, 1 by 40. तो आपको points मिल जाएंगे ना graph पर x और y के. और जब आपको x और y के पॉइंट मिल जाएंगे तो आपको नहीं लगता कि यू कैन जस्ट प्लॉट दोस पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ एंड एज इट इज रिप्रेजेंटेड जैसा कि यहां दिखाया गया है दिस शुड बी अ स्ट्रेट लाइन ये क्या होना चाहिए एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए सो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन एंड यू कैन देन एक्सट्रापोलेट दिस स्ट्रेट लाइन आप इस लाइन को पीछे एक्सट्रापोलेट कर सकते हो एंड यू कैन टच एट दिस पॉइंट So now tell me, what would slope of this line indicate, and what would intercept of this line indicate? ये line कितनी झुकी हुई है, इसका slope क्या बताएगा? और इसका जो intercept है, this point, what it will tell? Slope came by the max. This look here, yes. Intercept will give you 1 upon V max. V max, yes. And what slope will give you? Km this will give you Km by V max. Now, what is this point? This point is a place where the value of Y is becoming 0. Hai ki nahin? Y ki value yahan par 0 ho gayi hai na? Maths ke hisab se dekho to. Aur X yahan par negative side mein hai. तो अगर मैं इसमें y की वैल्यू जीरो रख दूं और x की वैल्यू फाइंड आउट करूं, लेट अस जस्ट प्लेस दिस वैल्यू जीरो, जीरो इज इक्वल टू km प्लस km अपॉन v max, वन अपॉन s प्लस वन अपॉन v max, सो v max गोज टू दिस साइड, वन अपॉन v max इज इक्वल टू km अपॉन v max इनटू वन अपॉन s, v max गेट कैंसल्ड बाय v max एंड वन अपॉन s becomes equal to minus 1 upon km.
So value of x when y is 0 at this point turns out to be minus 1 upon km. तो जब ये लाइन यहाँ इंटरसेक्ट करेगी तो इस पॉइंट पर क्या पता चलेगा हमें, माइनस वन अपॉन के एम. एंड दैट कैन बी डन ग्राफिकली. मतलब आपने ये सब ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया होगा, तो यहाँ पर वैल्यूज होंगी. तो आपको अगर ये वैल्यू पता चल गई तो आप उसका इन्वर्ट कर दीजिए, वी मैक्स पता चल जाएगा. आपको अगर ये वैल्यू पता चल गई, यू इन्वर्ट दैट, यू विल गेट के एम ऑल्सो. जैसे मान लो ये वैल्यू माइनस टू आई, तो अगर ये वैल्यू माइनस टू आई तो के एम कितना होगा, माइनस वन बाई के एम इक्वल टू माइनस टू. सो माइनस गेट्स कैंसल्ड, वन अपॉन के एम इक्वल टू टू, एंड के एम इक्वल टू व्हाट, वन बाई टू. है ना. ऐसे ही अगर ये वैल्यू मान लो माइनस ट्वेंटी थी, तो अगर वन बाई वी मैक्स इक्वल टू, सॉरी प्लस होगा, इफ दिस वैल्यू वॉज ट्वेंटी, सो वन अपॉन वी मैक्स इक्वल टू ट्वेंटी, तो वी मैक्स क्या हो जाएगा, वन अपॉन ट्वेंटी. सो यू कैन गेट वेरी इजीली, यू कैन गेट द वैल्यूज ऑफ वी मैक्स एंड के एम. आपको यहाँ पर एरर के चांसेस कम है, जब आप, हमने बात की ना वहां पर हाइपरबोलिक कर्व में. सो कर्व फिटिंग वॉज डिफिकल्ट, बट लीनियर कर्व में कर्व फिटिंग इज नॉट डिफिकल्ट. इट कैन बी डन ऑन ऑर्डिनरी ग्राफ पेपर एज वेल. सो इट इज ईजी टू डू दैट थिंग, एंड देयर फॉर दिस मैकेनिज्म ऑफ दिस प्रोसेस वॉज यूज. Now let me just draw another line. मैं यहाँ पर एक आपके समझने के लिए एक और line draw करता हूँ. Let's say I have another enzyme that shows this kind of kinetics. Okay, so one is your green enzyme, that is E1. Another is your second enzyme E2. Now can you comment about Vmax? Which has higher Vmax? E1, sir. Yes? E1. E1 or E2? E1, sir. Yes. So because this is intersecting at lower point, intersecting at higher point, as you move up, 1 upon Vmax will increase. But if 1 upon Vmax will increase, Vmax is going to decrease? Keh sakte hain? Yes, sir. Kya main ye point yahan par, ye point out kar sakta hu ki jaise aap upar jayenge, आपका Vmax डिक्रीज होगा, या नीचे जाएंगे तो इंक्रीज होगा. इस फिगर में मैं ये पॉइंट आउट कर सकता हूँ. सिमिलरली कैन यू टेल मी विच एंजाइम हैज, तो ये मैंने बता दिया, E1 हैज ग्रेटर देन E2. विच एंजाइम हैज हायर Km? किस एंजाइम का केएम ज्यादा होता है, इन दोनों में किसका केएम ज्यादा है बताइए, E2 का या E1 का? E2 का सर. E2 का मतलब x राइट जा रहा है. मान लो यहां पर वैल्यू लिख दो, एक माइनस टू है, ये माइनस वन है, तो देखो किसका ज्यादा आएगा. सही बोल रहे हो आप, गलत नहीं बोल रहे हो. यस सर, यस सर. अगर इसके लिए आप कैलकुलेट करोगे तो 1/2 आएगा. इसका 1/2 आ रहा था, इसका 1 आएगा. 1/2 ज्यादा है कि 1 ज्यादा है? सो एज यू मूव टू दिस साइड, जैसे-जैसे आप उस साइड जाओगे, KM इंक्रीज होता है. इधर जाओगे तो KM डिक्रीज होता है. तो ये चीजें आपके काम आएंगी व्हेन वी विल लुक एट एंजाइम रेगुलेशन. जब हम एंजाइम रेगुलेशन देखेंगे ना, एंड व्हेन वी विल टॉक अबाउट द ग्राफिकल ट्रीटमेंट ऑफ दोस थिंग्स, तो आप देख के बता पाओगे कि अच्छा, इनहिबिटर डाला तो Vmax चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इनहिबिटर डाला तो KM पे क्या फर्क पड़ रहा है. सो इफ यू हैव द आइडिया दैट एज यू मूव अप इन लाइन वीवर-बर्ग प्लॉट, Vmax डिक्रीजेस, एज यू कम डाउन Vmax इंक्रीजेस, एज यू मूव लेफ्ट दैट मीन्स टुवर्ड्स द ओरिजिन KM इंक्रीजेस, एज यू मूव अवे फ्रॉम ओरिजिन KM डिक्रीजेस. सो एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू लाइन वीवर-बर्ग प्लॉट को लेकर आपको कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो मुझे बताइए. समझ आ गया अच्छे से? यस सर. है ना? यस सर, यस. सो नॉट ओनली दिस, देयर वर मोर अटेम्प्ट्स, और भी कुछ रिसर्चर्स थे जिन्होंने थोड़े और अटेम्प्ट्स किए.
besides Lineweaver-Burk plot, there were other kind of graphs which were also developed by some more people. So let's talk about a few more graphical treatments that were done by other people. The major question that people ask about Lineweaver-Burk plot was that you can achieve Vmax only when your substrate concentration is infinity. That means 1 by S is approaching 0. So iske aage aapko extrapolation karna padega. So whether this extrapolation is right or wrong, that was questionable. So it is just imaginary value on the left-hand side. This will not be a true value. So in order to sort out this, few more graphs were developed. And one of the earlier graph that was developed was called Eddy-Hofsty plot. Okay. So what Eddy-Hofsty did, he also used the same equation and did some mathematical transformation. You can write the equation again. Directly Lineweaver-Burk equation likh raha hu, inverse karke. That is 1 upon V0 is equal to Km upon S divided by Vmax S. So what he did, he multiplied on both the sides by V0 Vmax. दोनों तरफ क्या करो आप v0 vmax से मल्टीप्लाई कर दो तो जब दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई करोगे लेट्स सी क्या होगा v0 vmax इनटू 1 अपॉन v0 इक्वल टू km प्लस s इनटू v0 vmax डिवाइडेड बाय vmax s सो लुक एट द लॉजिक ऑफ दोस काइंड ऑफ पीपल कितना उन्होंने लॉजिक लगाया होगा इसको लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए सो v0 गेट कैंसिल्ड ओवर हियर vmax गेट कैंसिल्ड ओवर हियर यहां पर vmax कैंसिल हो गया व्हाट वी एंड अप विद हमें क्या मिला इसको सबको पूरे को रीअरेंज करेंगे मैं थोड़ा सा आपको डायरेक्टली बता देता हूं vmax इज इक्वल टू km अपॉन s इनटू v0 प्लस v0 ओके तो इसको दोबारा से रीअरेंज कर लेते हैं क्योंकि वेरिएबल हमें एक साइड में लाने हैं v0 इक्वल टू अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं v0 इक्वल टू माइनस v0 अपॉन s इनटू km प्लस vmax ठीक है मैथमेटिकल अरेंजमेंट है आई थिंक आपको समझ में आ ही रहा होगा लेफ्ट राइट में ले गए बस तो अब आप देखिए डोंट यू थिंक दैट दिस रिप्रेजेंट द सेम फॉर्मेट यहां पर ये एक वेरिएबल है और ये पूरा एक वेरिएबल है राइट द नेगेटिव साइन विल बी एट्रिब्यूटेड टू स्लोप सो यू कैन सी हियर दैट दिस इज योर स्लोप वेरिएबल के साथ जो प्रोडक्ट चीज होती है वो स्लोप होता है और जो अलग से कॉन्स्टेंट होता है प्लस के साथ वो क्या चीज होती है इंटरसेप्ट सो you have here vmax as intercept you have here km as minus km as slope matlab slope negative hai is case mein and this v0 by s is your x parameter and this is your y parameter so how this graph would look like agar aap Eddy-Hofsty plot banayenge to Eddy-Hofsty plot kaisa dikhega kis do cheezon ke beech mein banaya jayega Eddy-Hofsty plot bataiye mujhe y axis or x axis jo negative slope ka diagram dikhaye no so what should be y and what should be x matlab it will be v0 and v0 by s v0 by s theek hai and you know how will you get v0 by s if you look at the previous page ye jo maine yahan par table banayi thi aapko ek aur table banani padegi aur usme kya likhna padega v0 by s to har column ke liye aap calculate kar lijiye 2 by 20 4 by 30 6 by 40 तो आपको हर वैल्यू मिल जाएगी v0 by s की और आपके पास v0 तो है ही तो अब आपको v0 और v0 by s के बीच में ग्राफ बनाना है एंड दैट ग्राफ विल बी योर Eddy-Hofsty प्लॉट एंड व्हाट विल बी द काइंड ऑफ लाइन हियर इट विल नॉट बी द लाइन लाइक प्रीवियस वन बट इट विल बी इन दिस मैनर ये लाइन ऐसी होगी क्यों बिकॉज इट हैज नेगेटिव स्लोप राइट क्योंकि इसका स्लोप कैसा है नेगेटिव है तो ये लाइन इस तरह की होगी तो अब देखिए इस लाइन में स्लोप क्या बता रहा है माइनस राइट स्लोप इज टेलिंग यू माइनस के एम
And what about intercept? What is this point telling you? Vmax. It is directly telling you Vmax. You don't have to do inversion. All right? ये आपको directly क्या बता रहा है? Vmax बता रहा है. And if you go to this point, हालांकि इस point की जरूरत नहीं है अब हमें. This will of course tell you Vmax by Km. तो यहां पर एडवांटेज क्या था कि आपको इन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है इस ग्राफ पे सीधे सीधे आपको Vmax मिल गया एंड दैट टू यू कैन से देयर इज नो एज सच एक्सट्रापोलेशन इन दिस केस यहां पर एक्सट्रापोलेशन नहीं है सो लेट मी जस्ट ड्रॉ अनदर लाइन टू अंडरस्टैंड एक फैक्ट समझने के लिए आई एम जस्ट मेकिंग अनदर लाइन दैट लुक्स लाइक दिस इट इज फॉर अनदर एंजाइम सो कैन यू टेल मी Which of the two enzymes, red one is E1, green one is E2, which has higher Vmax? Kiska Vmax jyada hai? E2 ka. E2. So comprehension varies if you have a different type of graph. Ratne ki zarurat nahi, aisa nahi hai ki pichle graph mein jo ho raha tha, wo yahan hoga. This is a graph between two different things. So now in this case, if you have Eddy-Hofsty plot, लाइन जितना ऊपर इंटरसेक्ट कर रही होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा Vmax एंड व्हाट अबाउट Km व्हिच एंजाइम हैज हायर Km सो सिंस स्लोप इज नेगेटिव इग्नोर द माइनस साइन जस्ट लुक फॉर हायर वैल्यू स्लोप किसका ज्यादा है जिसका स्लोप ज्यादा है उसका Km ज्यादा है तो व्हिच हैज हायर स्लोप किस पे चढ़ने में मुश्किल होगी आपको ज्यादा E2 पे E2 परफेक्ट सो दिस इज हाउ यू कैन इंटरप्रेट दैट Km of E2 is greater than E1, right? अगर मैं एक और लाइन बना देता हूँ, चलो एक और ग्राफ बना देते हैं, इस तरह से E3. So what is common between E1 and E3? Vmax, Vmax. E1 and E3. And let us say, मैं इस लाइन को थोड़ा सा एक काम करता हूँ. I am making this line parallel to green line. ग्रीन लाइन के पैरेलल बना दी मैंने ये लाइन ठीक है अब मुझे बताओ कि इसका क्या मीनिंग है दिस ग्रीन वन इज E3 ब्लू वन इज E3 एंड ग्रीन वन इज E2 सो नाउ यू टेल मी व्हाट डू यू थिंक अबाउट Km Don't you think Vmax तो दोनों का बराबर है E2 और E3 का yes, sir. तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि E2 is equal to E3 सर Vmax तो अलग होगा ना सर नहीं Vmax तो E1 और E3 का Vmax सेम होगा E1 और E3 का Vmax सेम हो जाएगा सेम हो जाएगा सर राइट और Km के बारे में क्या कहोगे E2 और E3 का Km सेम होगा क्योंकि स्लोप बराबर है ना दोनों एक ही पैरेलल है बिल्कुल लाइन उनका स्लोप वेरी नहीं कर रहा है सो इफ द स्लोप इज नॉट वेरिंग दैट मींस E3 एंड E2 हैव सेम आई मीन सेम स्लोप सो द Km वैल्यू इज सेम फॉर बोथ एक्सेप्टेबल सो दिस इज हाउ वी इंटरप्रेट द ग्राफ्स इस तरह से हम ग्राफ्स को इंटरप्रेट करते हैं लेट मी टेक यू थ्रू अनदर ग्राफ देयर वाज वन मोर पर्सन हु वर्कड ऑन इट Eddy-Hofsty के बाद एक और काम भी हुआ था एक और टाइप का ग्राफ भी डेवलप हुआ था ये ध्यान रखना आप किस किस चीज के बीच में है Eddy-Hofsty प्लॉट ओके नाउ वी हैव अनदर टाइप ऑफ ग्राफ दैट इज कॉल्ड एज हेंस वुल्फ प्लॉट So let's look at this plot also. इन्होंने भी try किया. They also tried to convert that equation into linear graph. So what they did, इन्होंने किस तरह का transformation किया? 1/V0 is equal to same. हम वहीं से शुरू करते हैं. Km plus s divided by Vmax s. Now they multiplied both the sides by S0. दोनों साइड में क्या करो
आप एस जीरो से मल्टीप्लाई कर दो एस नॉट से, तो ये हो जाएगा आपका एस नॉट बाय वी नॉट इज इक्वल टू के एम प्लस एस इंटू एस नॉट डिवाइडेड बाय वी मैक्स इंटू एस. ओके, एस नॉट एंड एस आर सेम इनिशियल सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, सो हियर एस गेट कैंसल्ड राइट, एंड देन यू सिंपली रीअरेंज, थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर दो इस इक्वेशन को, सो यू गेट एस अपॉन वी इज इक्वल टू के एम अपॉन वी मैक्स प्लस वन अपॉन वी मैक्स इंटू एस. सो टेल मी वेर इज योर एम, वेर इज योर एक्स एंड वॉट इज वाई. पहले मुझे एक्स और वाई बताओ किस किस के बीच में ग्राफ बनना चाहिए. दिस इज द लीनियर इक्वेशन. सो व्हाट इज योर एक्स एंड व्हाट इज वाई? एस बाय वी जीरो वाई सर. सो दिस इज योर वाई, एस बाय वी जीरो इज वाई, वाई इज इक्वल टू दिस इज योर एक्स एंड समथिंग दैट इज कनेक्टेड विद एक्स, जो एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन में वो क्या हो जाता है, स्लोप हो जाता है, एम स्लोप हो जाता है. सो दिस इज योर एम एंड समथिंग दैट इज ऑलरेडी फ्री एंड इट इज कांस्टेंट, एक ऐसी चीज जो पहले से कांस्टेंट है, अलग है. व्हाट इज दैट थिंग? इंटरसेप्ट. दैट इज इंटरसेप्ट और सी. सो दिस इज इन द फॉर्मेट ऑफ वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. नाउ अगेन यू कैन प्लॉट अ ग्राफ, आप एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हो इसका भी. हाउ वुड दैट ग्राफ लुक लाइक and between what quantities it would be, kin kin cheezon ke beech mein hoga. As you can see here on y axis it will be s upon v zero versus s. Okay, now will it have positive slope or negative slope? Positive will have positive slope. And what will intercept tell you about this? Intercept kya batayega aapko this point? Look at the Vmax. Km by Vmax. Perfect. And what would slope tell you? Look at the equation and then tell. 1 by Vmax. So you can say slope is inversely proportional to Vmax. Matlab slope badhega to Vmax kam hoga, slope kam hoga to Vmax jyada hoga. Right? And again by solving, by putting y is equal to 0, agar hum y 0 rakh dein, तो हम क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट के बारे में भी निकाल सकते हैं. एंड दिस पॉइंट पर्टिकुलरली विल गिव यू डायरेक्टली केएम. यहां आपको केएम की वैल्यू मिल जाएगी. इनफैक्ट इट विल बी माइनस केएम, सो यू कैन सिंपली कैलकुलेट केएम फ्रॉम दिस पॉइंट. सो नाउ इफ आई जस्ट ड्रॉ अनदर ग्राफ, जस्ट लाइक आई हैव डन प्रीवियसली, लेट्स से आई ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस. And another line, ठीक है दो ही लाइन लिखता हूँ आपके लिए, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. सो देर आर टू एंजाइम्स दैट इज ई टू एंड ई वन. टेल मी अबाउट वी मैक्स. ई टू का ज्यादा है. ई टू का ज्यादा है? Yes, sir. स्लोप जिसका कम है उसका वी मैक्स ज्यादा है, तो स्लोप ई टू का ज्यादा है राइट. स्लोप ई टू का सॉरी कम है, कम है, कम है, यानी कि ई टू का भी मैक्स ज्यादा है. ई टू ग्रेटर देन ई वन. व्हाट अबाउट केएम? केएम किसका ज्यादा है? माइनस तो आप इग्नोर कर दीजिए क्योंकि नेगेटिव एक्सेस है. जस्ट लुक एट द हायर मैग्नीट्यूड. ई वन का ज्यादा है. केएम किसका ज्यादा है? ई वन का. ई वन. सो एज यू मूव फार्दर अवे फ्रॉम द ओरिजिन केएम विल इंक्रीज. सो रिमेंबर that these were the three different kind of treatments of the graph. I mean, hence Wolf methodology, or you can say Adi-Hofsty methodology or Lyon-Weber-Berg methodology. These were all mathematical transformations to convert that hyperbolic graph into a linear equation. And based on that fact, it was possible to construct the linear graphs which was convenient to study. But each and every graph, ye jo tino graph humne dekhe hain, all these three graphs have a very different interpretation.
यू कैन नॉट इन्फर द सेम थिंग फ्रॉम ऑल द थ्री ग्राफ्स. हालांकि आप वीमैक्स निकाल सकते हो, केएम भी निकाल सकते हो, लेकिन वीमैक्स और केएम अलग अलग तरीके से निकलेगी सारे ग्राफ्स में. जैसे आप देख रहे हैं कि हेंस वुल्फ में वीमैक्स स्लोप से पता चलेगा और केएम यहाँ पर इस एक्सिस के इंटरसेप्ट से पता चलेगा, एक्स एक्सिस के इंटरसेप्ट से. जबकि एडी हॉफ्स्टी प्लॉट में क्या है, स्लोप आपको केएम बताएगा एंड द इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस विल डायरेक्टली टेल यू वीमैक्स. एंड व्हाट अबाउट लाइनवीवर बर्क प्लॉट, इसमें आपको इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस से पता चलेगा 1 अपॉन वी मैक्स और इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस से पता चलेगा माइनस 1 अपॉन के एम. सो आर वी क्लियर अबाउट दिस? देयर वर अ कपल ऑफ मोर ग्राफ्स. इन फैक्ट वन पर्सन अटेम्प्टेड वन मोर टाइप ऑफ ग्राफ एंड इट्स अ वेरी अनयूजुअल टाइप ऑफ ग्राफ इन मैथमेटिक्स, दैट इज कॉल्ड एज आइसेंथल कॉर्निश बाउडन प्लॉट. So Isenthal Cornish Bowden plot is a very unique plot because it is plotted between two constants and mathematicians would not agree on that ki constants ke beech mein aap graph kyun plot karenge, but that helps in development of some of the parameters of enzyme, that helps in calculation of some parameters of enzyme. Actually Vmax and Km is calculated at different concentrations. अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस पर वीमैक्स और केएम कैलकुलेट किया जाता है एंड देन दे गेट मल्टीपल ग्राफ्स फॉर सेम एंजाइम. एक ही एंजाइम के लिए कई सारे ग्राफ्स आते हैं एंड देन दे कैन कॉम्प्रीहेंड द रिलेशनशिप बिटवीन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एंड एंजाइम काइनेटिक्स. सो दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्राफ दैट इज यूज्ड इन एंजाइमोलॉजी, नॉट वेरी मच यूज्ड, इट्स लेस ऑफन यूज्ड, इट्स कॉल्ड एज आइसेंथल कॉर्निश बाउडन प्लॉट विच इज बिटवीन वीमैक्स एंड केएम. कॉन्स्टेंट्स के बीच में प्लॉट किया जाता है. ठीक है, तो चार तरह के प्लॉट्स के बारे में हमने देखा और इन सब में जो सबसे वाइडली यूज प्लॉट है एंजाइमोलॉजी में, जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा सुनेंगे, सबसे ज्यादा आप बुक्स में देखेंगे, दैट इज योर लाइन वीवर बर्क प्लॉट. आई थिंक आपने ये चीज ऑब्जर्व भी की होगी, नोटिस भी की होगी,